राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पंडित नेहरू ने 16 वर्ष से अधिक समय के लिए बतौर भारत के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। नेहरू जी की शिक्षा की बात की जाए तो पंडित नेहरू ने हैरो और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी। उन्होंने इनर टेम्पल से लॉ की डिग्री हासिल की थी। आजादी के संघर्ष के दौरान जब पंडित नेहरू जनवरी 1934 से फरवरी 1935 तक जेल में थे तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है टुवार्ड फ्रीडम। इसके अलावा पंडित नेहरू ने भारत पर भी दो किताबें लिखी जिनका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको बता दें कि आजादी की लड़ाई के दौरान पंडित जी ने 3,359 दिन जेल में बिताए थे। उन्हें 9 बार जेल भेजा गया था और आज ही के दिन 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से पंडित नेहरू का निधन हो गया था। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज देश उनको याद कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लोक संवाद में उनके तेल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर ट्वीट करते हुए अपने विचार भी साझा किए और कहा, अगर आप इसे सहन करते हो तो ये पूरे सिस्टम को जहरीला कर देती है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जवाहरलाल नेहरू को याद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। राष्ट्र प्रथम की टीम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। भारत एक बार फिर चक्रवात तूफान का सामना कर रहा है और अब इस बार बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास ने भारी तबाही मचा रखी है। चक्रवाती तूफान यास से सैकड़ों तटीय गांवों में पानी भर गया है और लाखों घर उजड़ गए हैं। सिर्फ बंगाल में ही यास से 1 करोड़ लोग प्रभावित हो चुके हैं। लगातार बारिश से उड़ीसा बंगाल के कई जिले जलमग्न हो चुके हैं और नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है तो कई सैकड़ों तटबंधन टूट गए हैं। राहत व बचाव कार्यों की टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम कर रही है। गुरुवार रात से ही चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार और झारखंड में भी दिखाई दे रहा है। इस तूफान से कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान का असर अभी 2 दिन और रहेगा। चक्रवाती यास तूफान का असर बिहार के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस तूफान से निपटने के लिए नीतीश सरकार पहले से ही तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा प्रबंधन व सभी संबंधित अधिकारियों से तूफान यास से निपटने के लिए तैयारियों पर बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 27 मई से 30 मई तक आंधी तूफान वज्रपात तथा वर्षा की संभावना है। इसे देखते हुए सभी जिला अधिकारी सतर्क रहें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, पथ निर्माण व ग्रामीण कार्य विभाग को विशेष रूप से अलर्ट रहने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि NDRF और SDRF की टीमें पूरी तरह तैयार रहें। साथ ही तूफान के दौरान अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो पाए। भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज जन्मदिन है। नितिन गडकरी के केंद्रीय मंत्री बनने से पहले वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नितिन गडकरी एक प्रखंड राजनीतिक है और अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें सड़कों के विकास के लिए जाना जाता है। नितिन गडकरी भाजपा सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री है और अब भी नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री रहते हुए देश में अच्छी और विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछाने के काम में जुटे हुए हैं। नितिन गडकरी को उनके बेबाक अंदाज के लिए भी जाना जाता है। नितिन गडकरी किसी भी मुद्दे पर अपनी बात बेबाक तरीके से रखते हैं। यही कारण है कि सिर्फ भाजपा के नहीं बल्कि विपक्ष के भी कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। 27 मई 1957 को नागपुर में जन्मे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज 64 वर्ष के हो चुके हैं। राष्ट्र प्रथम की टीम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उनके जन्मदिन पर
ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाने की बजाय युवाओं को नशे में धकेलने का काम कर रही है। इसी वजह से केजरीवाल सरकार को दिल्ली में नई शराब नीति लागू करने की जल्दी है। जिस समय दिल्ली और पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, ऐसे बहुत ही क्रिटिकल समय केजरीवाल जी नई शराब नीति तैयार कर रहे हैं और पिछले 15 अप्रैल से ये पूरा अप्रैल का महीना, मई का फर्स्ट वीक, ये केजरीवाल सरकार नई शराब नीति को इन्होंने अप्रूवल दिया है। केजरीवाल साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जब लोगों को कोरोना के समय ऑक्सीजन की जरूरत थी, बेड की जरूरत थी, वो आप मुहैया नहीं करा पाए और आपको ऐसे कठिन समय में, ऐसे मुश्किल वक्त में शराब की नई पॉलिसी लाने की जल्दी क्यों है? आपने एक महीने पहले कहा था कि हम 44 नए ऑक्सीजन प्लांट लगा देंगे, आज से ठीक एक महीने पहले, वो आप नहीं लाए। एक महीने पहले कहा था कि हम एक महीने के अंदर 44 ऑक्सीजन प्लांट लाएंगे, लेकिन वो आपने वादा पूरा नहीं किया। आखिर इतनी जल्दी क्यों आपको पड़ी है? जिस पॉलिसी में आप हर बार के अंदर 3-3 दुकानें खोलकर दिल्ली को शराब का अड्डा बनाना चाहते हो, युवाओं को शराब में झोंकना चाहते हो, नशे में झोंकना चाहते हो। आप सोचिए कि लगभग 80 ऐसे वार्ड है दिल्ली में जहां पर शराब की दुकानें नहीं है। उन ग्रामीण परिवेश और क्लस्टर एरिया में अगर नई शराब की दुकानें खुल गई तो क्राइम का रेट क्या होगा? दिल्ली में किस तरह से अपराध बढ़ेंगे? महिलाओं पर भी अपराध बढ़ेंगे, घर में भी कलह होगा और इन सब का कारण अगर कोई होगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब आप होंगे, क्योंकि आपने इस पॉलिसी को मंजूरी दी है। कमाल हो गया, हैरानी की बात है। रामनवमी वाले दिन भी बेच रहे हैं, बेचेंगे सर आप? आप पूरे 21 फ्राइडे घटाकर 3 कर दिया है। मकसद मुख्यमंत्री जी, आपका मकसद क्या है? आप कह रहे थे कि दिल्ली तो सरप्लस बजट वाला प्रदेश है। आपने विधानसभा में बड़े ठोक के कहा था कि हम सरप्लस इकोनॉमी का बजट पेश कर रहे हैं। कहां गया आपका सरप्लस बजट? क्या दिल्ली में कौन से रेवेन्यू की बात कर रहे हो? ये दिल्ली के काम आने वाला रेवेन्यू है या आम आदमी पार्टी के फंड वाले रेवेन्यू की बात कर रहे हैं? ये नई शराब की नीति की आपको जल्दी क्यों है? आपको जल्दी होती इस समय तो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जल्दी होती। मुझे लगता है आप राजनीति में अपनी आम आदमी पार्टी की चुनावी महत्वाकांक्षा में इतना डूब गए हो कि दिल्ली के हितों को भूल गए हो। और मुझे तो इसमें मंशा दूसरी नजर आ रही है। इसमें मंशा नजर आ रही है कि आप शराब की दुकानें बढ़ाकर आम आदमी पार्टी का ये चुनावी फंड इकट्ठा करने की कोई योजना लग रही है और इसीलिए जल्दबाजी आपकी। नहीं तो जो बना बनाए इतना अच्छा मॉडल है उस मॉडल को इस समय बदलने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब केजरीवाल जी दे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए।
26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सेवाई संगठन के सहयोग से भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल के बाहर गरीबों और कोरोना मरीजों के परिजनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। इस दौरान आदेश गुप्ता ने लोगों को स्वयं भोजन वितरित किया। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने वहां आए भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं से भी बात की। ये काफी दिनों से चल रहा है सेवा ही संगठन, हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा की तरफ से सेवा ही संगठन है जो दिल्ली प्रदेश का हमारा कार्य चल रहा है। उसके माध्यम से हर बूथ पर हम मास्क, सैनिटाइज और ऑक्सीजन मीटर, सूखा राशन, जो ज़रूरतमंद लोगों को जो है वो वितरण किया जाएगा। आज भाजपा का हर कार्यकर्ता हमारे माननीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और सिद्धार्थन जी के नेतृत्व में अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने घर वालों की परवाह ना करते हुए हर किसी को सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और पूरी भाजपा आज आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हॉस्पिटल के बाहर बहुत से गरीब लोग हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको कि दिन भर खाना नहीं मिलता, जिनके पेशेंट हैं अंदर और बाहर वो बेचारे भूखे रहते हैं, पानी भी नहीं मिलता उनको। उनके लिए यहाँ पर जूस और खाना और फ्रूट और आज N95 मास्क मैं जैसे लेकर के आई हूँ, ऐसे ही बचाव, कोरोना से बचाव के लिए, और वो बहुत ज़रूरी है। समय का तकाजा है, ये इस महामारी के अंदर बहुत ज़रूरी है कि कोरोना काल में मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाथों को सैनिटाइज करके रहें और समय समय पे साबुन से भी हाथ धोते रहें। सेवा ही संगठन के आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भोजन वितरित करा जा रहा है जो एक कोरोना काल में हमारी विपक्षी दलीय पार्टी है जो कि कोई बाहर नहीं निकल रहा, मगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो बाहर निकलकर भोजन वितरित कर रहे हैं, बहुत ही एक जनता के सेवा के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए कि वे स्वस्थ रहें, कोई भूखा ना रहे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नज़रिया है देखने का। हाँ, उनकी नज़रों में कोई सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। हमारा सेवा ही संगठन और निस्वार्थ भाव से हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर सभी हॉस्पिटलों पर बाहर टेंट लगा के इसी तरीके से आज हमें भी 17 दिन हो गए संजय गांधी हॉस्पिटल के बाहर, जो दिल्ली बाहरी दिल्ली जिले की तरफ से यहाँ भोजन वितरण समारोह चल रहा है और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी का आगमन हुआ है यहाँ, जिन्हों के हाथ से भोजन वितरण करवाया गया। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी हो गया है। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रवक्ता दुर्गेश पाठक ने कहा कि राजधानी दिल्ली में इस साल मई के महीने में ही डेंगू के 25 मामले सामने आए हैं। दुर्गेश पाठक ने दिल्ली नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निगम ने इस बार समय पर दवाओं का छिड़काव नहीं किया है, जिससे अगर डेंगू के मामले बढ़ते हैं तो ये दिल्ली के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। पहली बार दिल्ली के अंदर मई महीने में 25 डेंगू के केस आए हैं। 2013 से पहले आज तक कोई भी केस मई के महीने में नहीं आए थे। जनरली जब एक बार बारिश स्टार्ट होती थी उसके बाद कुछ कुछ केसेस आते थे। इसका जो एक मेन कारण है कि समय समय पर जो डेंगू के मच्छर होते हैं उनकी जो लार्वा से, जिस लार्वा से ये मच्छर बनते हैं, उस लार्वा को मारने के लिए दिल्ली के DBC कर्मचारी फॉगिंग करते हैं, घर घर जाके वो चेकिंग करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि दवा डाल डाल के हर जगह डेंगू के लार्वा को बनने से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की MCD इन सारे कामों को देखती है और उसका एक मेन सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि वो समय पर
डेंगू के दवा का छिड़काव कर दे। लेकिन जो ये मई महीने में 25 केस आए हैं, आपने देखा होगा कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी इसका ऑब्जर्वेशन लिया है और उसने ये कहा है कि ये खतरनाक हो सकता है अगर सही समय पे कार्रवाई ना की जाए। हमने सारा कुछ पता किया तो पता चला कि डेंगू के मच्छर की लार्वा जो इसकी मेडिसिन है उसका छिड़काव तो तब करेंगे जब मेडिसिन खरीदी गई हो, अभी तक ये दवाई नहीं खरीदी गई। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल हमने एक डॉक्यूमेंट आपको रिलीज किए थे और बताया था कि किस तरह से ये डेंगू की दवा दिल्ली के अंदर 3600 रुपये का खरीदा गया, 3600 रुपये पर केजी के हिसाब से हज़ारों किलोग्राम खरीदे गए, जबकि यही दवा भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की जो म्यूनिसिपल काउंसिल है इसी दवा को उसने 2400 रुपये में खरीदे थे। ये मैंने पिछले साल प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको दिखाए थे। लेकिन पिछले 2 महीने से कभी कमिश्नर साहब के पास फाइल जा रही है, कभी मेयर साहब के पास फाइल जा रही है, लेकिन दवा नहीं खरीदी गई और दवा ना खरीद करके दिल्ली वालों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। मैंने पता किया, अंदर बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्होंने हमें बताया कि 2 महीने से किससे दवा खरीदनी है ये फाइनल नहीं हो पा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि डेंगू ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज मई के महीने में 25 केस आए हैं, इसका मतलब ये खतरनाक रूप ले सकती है। आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आपका काम है किसकी दवा खरीदें, आपका काम है किसका छिड़काव करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोरोना के संकट को रोकने के लिए पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन जारी है। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं तो संक्रमण दर में भी गिरावट नजर आ रही है। इसी के चलते राष्ट्रप्रथम की टीम ने दिल्ली में जारी लॉकडाउन पर लोगों से चर्चा की, जिनमें से कई लोगों का मानना है कि दिल्ली में कम हो रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए अब दिल्ली सरकार को अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। कोरोना का कहर काफी कम हो चुका है महानगर दिल्ली शहर में और अभी भी कर्फ्यू जारी है, 31 तारीख तक यह कर्फ्यू है और इस बीच 31 के बाद अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू होगी, यानी कि सारे बाजार खुलेंगे, सारे काम पटरी पे आने की संभावनाएं हैं। तो इस विषय पे मैं अभी रोशनाला रोड में हूँ, हमारे साथ कई नागरिक हैं, कई रोशनाला रोड के निवासी हैं, कई व्यापारी हैं, उनसे भी बातें करता हूँ। तो विजय जी, 31 तारीख के बाद लॉकडाउन खुले कि नहीं खुले, आपके क्या विचार है? खुलना चाहिए। दो बार कोरोना का कहर पूरे भारत ही नहीं विश्व को भी झकझोर रखा है और भारत की हालात तो बहुत ही, आर्थिक स्थिति, सारे मार्केट बंद है, कर्फ्यू लागू है, तो क्या 31 के बाद लॉकडाउन खुले तो कैसे खुले, जरा विस्तार से बताएं। खुलना चाहिए जी, आजकल के टाइम में काम धंधे है नहीं, लॉकडाउन तो खुलने चाहिए। अब लोगों का क्या था, शराब पी रहे हैं ब्लैक से ले लेके, ठेके भी खुलने चाहिए। बताओ कहाँ तक ब्लैक से दारू पियेंगे लोग बाग? और भी शराब तो अलग की चीज़ें, और भी चीज़ें खुलनी चाहिए, बाजार तो खुलना चाहिए, सारे काम काज ठप है। हाँ, कोरोना का कैसा मामला आपको देखने को मिल रहा है इन दिनों? इस समय तो जी कम बता रहे हैं कोरोना का मामला, टीवी के अंदर जो देख रहे हैं वो तो कम ही बता रहे हैं। अभी भी सतर्क रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी। आप भी बचे और समाज को भी बचाएं, कोरोना का कहर काफी कम हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्फ्यू खत्म हो रही है, लॉकडाउन बढ़ चुकी थी 21 तक, क्या मार्केट को खोलना चाहिए कि नहीं? खोलना चाहिए। तो अभी कैसा आपको मिल रहा है देखने को, कोरोना का क्या हाल है? तो ऐसे ऐसा था, कम हुआ ना पहले से? पहले तो कम। गुलफाम जी, अभी कोरोना का कैसा हाल आपको देखने को मिल रहा है? तो ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से, अभी भी सतर्क रहे ना? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से रोशनाड़ा रोड में हूँ और ये हमारे साथ एक बुजुर्ग अंकल जी हैं। बाबू राम जी, 31 तारीख को तक लॉकडाउन है। अच्छा, क्या लॉकडाउन खोलनी चाहिए कि नहीं? खोलनी चाहिए, परेशानी आ रही है। क्या क्या परेशानी आ रही है थोड़ा बताएं। काम धंधे की परेशानी, भूखे मरने के दिन है।
इस तरह से रोशनाना रोड का यह नजारा और यहाँ के लोगों से भी बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि पुनः लोगों के बीच आशा जग चुकी है और लॉकडाउन 31 के बाद खोलनी जरूरी भी है। हरपाल जी, क्या 31 मई के बाद लॉकडाउन खोलनी चाहिए कि नहीं? खोलना चाहिए। कारोबार का क्या हाल है? बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल कारोबार भी खत्म हो गया। भारत स्वस्थ होंगे, भारत के सभी नागरिक स्वस्थ होंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आज आपको दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अगर नगर चौक का नजारा दिखा रही है, जहां पिछले दिनों हुई बारिश के बाद यहां सड़क पर काफी पानी भरा हुआ है। सड़क का हाल इतना बुरा है कि यहां लोगों को आने जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, यहां तो 6 साल हो गए सर मुझे देखते देखते, रोड का बिल्कुल गंदा नाला बन गया है। जो मेन रोड था ना, उसमें ऐसा हो जाए जैसे नाव चला लो, रोड का गंदा नाला बन गया। 6 साल हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ तो वहाँ तक ऐसा हो जाए जैसे इसमें नाव चला लो, नाव चल जाएगी। और ये 6 साल से भुगतते हो गए हमें यहाँ पे। तो कोई मान लो कोरोना का टाइम चल जाए, यहाँ राशन की दुकान खुली है, डॉक्टर की खुली है, दवाई की खुली है, मान लो कोई जाए तो कोरोना से तो बाद में मरेगा, ये इस गंदगी से पहले मर जाएगा जी। और अरविंद केजरीवाल जी से और ऋतुराज जी से हमें गुजारिश है, एक बार यहाँ से राशन दफ्तर से लेकर मुबारकपुर तक आके और पैदल चल के दिखा दे। घरों में पानी भर रहा, सड़कों में पानी भर रहा, आने जाने वाले इतने परेशान है, बोलो क्या करोगे? कौन है सरकार, कहाँ है सरकार? वोट मांगने आ जाएंगे, काम करने को आते नहीं। नाली क्या घरों में जाकर देखो कि कितना पानी भर रहा लोगों के, नाली इतनी ऊंची करवा दी, घर सब के नीचे हो गए, बोलो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा महानगर दिल्ली के लुटियंस जोन में उच्च शक्ति की बिजली का उत्पादन और उससे हाई तकनीक से बनी पावर ग्रिड में जोड़ने का कार्य चल रहा है। इस कोरोना काल में बारिश होने के कारण इस कार्य में थोड़ा सा रुकावट आई, लेकिन पावर ग्रिड के अधिकारियों और इस निर्माण कार्य में लगे तमाम अधिकारी और मजदूरों के प्रयास से ये कार्य अब अपने अंतिम चरण पर है। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मीर कुमार झा की रिपोर्ट। लुटियंस जोन में ऊर्जा विभाग के द्वारा पावर ग्रिड के द्वारा बहुत ही हाईटेक बिजली की केबल बिछाने का कार्य चल रहा है। और चूंकि तालकटोरा रोड में VIP जगह है और उच्च क्षमता की जो बिजली प्रवाह होगी उसके लिए यह कार्य किया जा रहा है और बहुत ही इस कार्य में मेहनत कश मजदूर लगे हैं और कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। पावर ग्रिड के द्वारा यह कार्य ताल कटोरा रोड में किया जा रहा है। ऊर्जा मुहैया कराने के उद्देश्य से पावर ग्रिड केबलिंग बिछाने का कार्य यहाँ कर रही है और काफ़ी मेहनत का यह कार्य है। ये क्या कार्य हो रहा है, थोड़ा बताओ विस्तार से। ये DTL की 220 की लाइन रन रही है यहाँ पे, बिजली की लाइन जो है DTL की, ये कुछ अंडरग्राउंड होके जाएगी, कुछ मोलिंग से ओपल से होके जाएगी। ये काम 4 साल से शुरू हुआ है, 4 साल पहले से, और अभी ये लास्ट 2 लेंथें बची हैं यहाँ पे और ये लगभग 2 महीने तक ये ख़त्म हो जाएगा। इसको तो रामानो लोहिया के पास जो पावर ग्रिड है उससे जोड़ा जा रहा है। तो ये इससे बिजली मिलेगी केबल के जोड़ने से? जी हाँ, बिजली की जो दिल्ली में जो स्मार्ट सिटी बन रही है उसमें बिजली जो कनेक्शन कट रहे हैं या बिजली चली जाती है उसमें काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ बिछ रही, थोड़ा बताएं। ये काम पटेल चौक से शुरू हुआ, उससे पहले ये इंडिया गेट से आगे जो बिजली घर है वहाँ से शुरू हुआ था, उसके बाद पहले 2 साल पहले वो लाइन से डल चुकी थी, अभी पटेल चौक से शुरू हुआ और राम मरलोल लोहिया तक जाए। तो बारिश में तो दिक्कत होती होगी? बारिश में काम बंद हो जाता है। अब तो बारिश खत्म है जी? अभी बारिश खत्म नहीं हुई है, अभी आने वाली है, अभी तो 2-4 दिनों के लिए राहत है, आने वाली है फिर काम बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से बारिश होती है तो काम बंद हो जाती है और इस कोरोना काल में इन मजदूरों की भी प्रशंसा की जानी चाहिए जो दिन रात एक करके कार्य कर रहे हैं।
और पावर ग्रिड जो ऊर्जा मंत्रालय की अभिन्न इकाई है उसके द्वारा इस कार्य को संपादन कर रहा है और इस कार्य में लगे मेहनत कश मजदूर काफ़ी मेहनत के साथ कार्य को अंजाम दे रहे हैं। यह देखिए ये अपने अपने कार्य में लगे हैं। इस तरह से पाइप कटिंग हो रही है और इस पाइप को डाला जाएगा और ये आप देखें पावर ग्रिड की जो केबल बिछने का कार्य हो रहा है तालकटोरा रोड में उसी का यह नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। और बरसात में काम बंद हो जाती है और अभी कार्य लगातार चल रही है, केबल बिछाने का कार्य हो रहा है। मैं मेहर कुमार झा, कात्यानी नेशनल टीवी के लिए। कोरोना काल में कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सिर्फ महानगर दिल्ली नहीं बल्कि पूरे भारत के सभी मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारों में आम भक्तों को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इन सभी जगहों पर दर्शनार्थियों और भक्तों के लिए ऑनलाइन पूजा करने की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आज आपको घर बैठे ही दिल्ली के प्राचीन और अति प्रसिद्ध बद्री भगत झंडे वाला मंदिर के दर्शन करवा रही है। आइए सभी माँ झंडे वाली के दर्शन करते हैं। बद्री भगत झंडे वाला माता मंदिर में हूँ और यह नज़ारा झंडे वाला माता मंदिर का है। क्योंकि कोरोना का काल है पूर्णतः मंदिर में भक्तों का प्रवेश वर्जित है और ऑनलाइन पूजा पुजारियों के द्वारा की जा रही है। इस प्रकार से आप सभी कात्यानी टीवी के सम्मानित दर्शकगण अपने घर में ही बैठकर ऑनलाइन पूजा का आनंद लीजिए और कोरोना से बचिए और दो गज की दूरी मास्क है बहुत ज़रूरी, इस नियम का पालन करते रहिए। तो इस प्रकार से सभी मंदिर महानगर दिल्ली के जितने भी मंदिर हैं सबों में भक्तों का प्रवेश वर्जित है और ऑनलाइन पूजा मंदिर के पुजारी के द्वारा की जा रही है। मैं मीर कुमार झा का कात्यानी टीवी के। इस कोरोना काल में जहां लोग कालाबाजारी करके इंसानियत को भी शर्मसार करने का काम कर रहे हैं तो वहीं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानों के साथ साथ जानवरों के प्रति भी स्नेह और दया भाव रखते हैं। और हमारे देश की बात करें तो यहाँ गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई लोग गायों का पालन सिर्फ अपने स्वार्थ के चलते करते हैं। जिन गायों की वजह से वो अपना व्यवसाय करते हैं उन गायों को वो भरपेट चारा भी नहीं दे पाते हैं और चारे की तलाश में उन्हें इधर उधर भटकने के लिए छोड़ देते हैं और कई बार इन गायों के साथ अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में मोनू गौ सेवक की पूरी टीम कई समय से इन गायों के बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इसी क्रम में 25 मई की रात को मोनू गौ सेवक को सूचना मिली कि इब्राहिमपुर गांव के नाले में एक गाय गिरी हुई है, जिसके बाद मोनू और उसकी टीम ने वहां पहुंचकर गाय का बचाव कार्य शुरू कर दिया और घंटों प्रयास के बाद गाय को सुरक्षित बचा लिया गया। मोनू गौ सेवक का ये कार्य अति सराहनीय है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,11,298 नए मामले, वही 3,847 लोगों की मौत। LAC पर भारत का सबसे बड़ा एक्शन, इजराइल में तैयार हैरान ड्रोन रखेंगे लद्दाख पर नजर। कांग्रेस ने नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें दी श्रद्धांजलि, उनके योगदान को याद किया। एंटीगुआ से फरार भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी पकड़ा गया, भारत लाने की तैयारी में एजेंसियां। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, राजनीतिक और कोविड-19 की स्थिति पर की चर्चा। सागर हत्याकांड में सुशील कुमार की मां की याचिका पर कल होगी सुनवाई। चक्रवाती तूफान यास झारखंड पहुंचा, तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश जारी। एक दंत संकष्टी चतुर्दशी 29 मई को, इस व्रत से बिगड़े काम बनने की है मान्यता। एनल डर्सोविट्स ने नेटफ्लिक्स पर किया $8 करोड़ का मुकदमा। शिव थापा ने एशियाई चैंपियनशिप में लगातार 5वां पदक अपने नाम किया। राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।